हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आदित्य बिरला मनी लिमिटेड से रिलेटेड। आदित्य बिरला मनी की अगर हम बात करें तो क्या हमने इससे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई है? तो हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगता हुआ नजर आए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप देखोगे 1 साल पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, माइक्रो कैप ब्रोकिंग स्टॉक इन्वेस्ट फॉर डबल योर मनी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एंजल ब्रोकिंग आदित्य बिरला मनी। ठीक है, टारगेट 166 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरे स्टॉक। तो बार बार इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार 1 साल पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बार बार आपको बताया भी था कि ये स्टॉक आपके पैसे डबल कर सकता है, ये स्टॉक आपको पैसे दे सकता है। ठीक है, उस टाइम शेयर ने उस तरीके का तूफान नहीं दिखाया था, बट क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती है उनका केवल एक ही डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। तो वो ही डायरेक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो वो डायरेक्शन आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो आज अगेन मैं आपके सामने एक और शेयर को लेकर आऊँ जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या हमें इसे लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, एक आइडिया अपनी तरफ से देता हुआ नजर आऊंगा। तो इसलिए याद रखिएगा, एडुकेशनल वीडियो है, ना कि ये बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन। ना तो बाइंग की रिकमेंडेशन है, ना सेल की रिकमेंडेशन है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही चीज़ों को यहाँ पर देखना है। और बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े और जाने सारे टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और के नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करो, चीज़ों को सीखे। जितना चीज़ों को सीखोगे उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए विद्या के पीछे भागिए। ठीक है ना, हमेशा मैं इस चीज़ को यहाँ पर कहता हूँ। सीखने का तरीका वीडियोज़ है, इसके अलावा हमारा कोर्स है। अगर किसी को सीखना है, कोई सीरियस है स्टॉक मार्केट में और टाइम देके अच्छा खासा पैसा बनाना चाहता है, तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए के जवाब दिए जाते हैं। पर यहाँ पर एक बार कोर्स किया तो याद रखिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20,000 रुपये कोर्स की कीमत है, बट दीवार यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसलिए मैंने 10% का ऑफर दिया था। तो लगभग 18,000 रुपीज़ की फीस है, बट 1 तारीख से यही फीस 25,000 रुपये की हो जाएगी। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा। और कोर्स को कम्प्लीट होने के बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बट 1 साल का कम से कम इसके बाद एक्सपीरियंस जैसे बताया उसे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर किसी को साथ में काम करना है, पोर्टफोलियो बड़ा है, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो 8868-6054-0501, 8169-26101037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू यहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट करने के बाद आप हमसे जानकारी ले लीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो हम कैरी ऑन करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आदित्य बिरला से रिलेटेड हमने बार बार यहाँ पर 60 रुपये के आसपास वीडियो बनाई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर बार बार बताया भी था। उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था कि चीज़ें बार बार गिरती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल के आसपास की बात है, चीज़ें बार बार ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न था कि कुछ टीवी के एंकर्स ने यहाँ पर कुछ घपलेबाजी भी करी थी, जिसकी वजह से चीज़ें बेकार होती हुई नजर आई और इस वजह से शेयर यहाँ पर एक साथ जहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, ठीक है, चीज़ें नीचे आती हुई दिखाई दी। बट अब क्या क्या शेयर ने वो चीज़ें पकड़ ली है? तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देर जरूर होती है अच्छी चीज़ों में, बट हमेशा ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो वही यहाँ पर हुआ। तो देर जरूर हुई और फिर इसके ऊपर आ जाता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहली बात, जो हमारे साथ काम करते हैं उन लोगों के पास ये शेयर हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलरेडी ये शेयर हमने बार बार इस लेवल पे दिया है और काफी लोगों के पास है भी। आदित्य बिरला मनी की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक सब्सिडरी ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड इज इंगेज इज ऑफरिंग इक्विटी एंड डेरिवेटिव ब्रोकिंग एज वेल एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो स्टॉक मार्केट में जितना भी काम होता है, ठीक है, शेयर का लेना, शेयर का बेचना, ठीक है, यहाँ पर पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट सब कुछ ये पर्टिकुलर शेयर करता हुआ नजर आता है, ये पर्टिकुलर कंपनी करती हुई नजर आती है। अच्छा खासा काम है, ब्रोकिंग से 87%, ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी से 10%, अदर 3% का यहाँ पर रेवेन्यू आता है। इंडिया में ही पूरे पैन इंडिया ये काम करते हुए नजर आता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। कंपनी की बात करें तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि पैसा आपका इंफोसिस, टीसीएस बड़ी कंपनी में नहीं बनेगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी जाइंट। बट अगर हम बात करें
ये छोटी छोटी कंपनी है, 600 करोड़ की कंपनी है, 300 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ की कंपनी है, ये पैसा बनाती हुई नजर आएगी। तो माइक्रो कैप 635 करोड़ का करोड़ रुपए की कंपनी, जब इसकी बात करूँ 635 करोड़, तो इस चीज को भी याद रखना है कि शेयर जब भागेगा तो तूफान रैली देगा, बट जब गिरेगा तो याद रखिएगा आपके आधे से ज्यादा पैसे खा के बैठ जाएगा कि किस तरीके से 150 वाला स्टॉक यहाँ पर 18 रुपए पे हो गया। तो आप सोचोगे कि आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गए, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट वहां पर काम आती हुई दिखाई देती है। स्टॉक पी की बात करें 17, इंडस्ट्री का 21, तो स्टिल सस्ता नजर आता है। आरओसी आरओई के पीछे हम भागते नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग का विजन हमारा है नहीं। डेट यहाँ पर देखेंगे नहीं, क्योंकि काम ही इसका ब्रोकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मार्जिन वगैरह देता है, मतलब डेट से रिलेटेड ही काम है। प्लेजिंग कुछ है नहीं, 125 का हाई लगाया था, 112 पे चल रहा है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 160 के अराउंड यहाँ पर है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है, छोटी कंपनी है इसलिए ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है। ईयरली बेस पे यहाँ पर देखें तो ईयरली बेस पे आप देख सकते हो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स है, इसके अलावा हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। कंपनी के मार्जिन की बात करें यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड, ठीक है ना, इस कंपनी की अगर हम बात करें। इसके अलावा आप देखोगे पिछले 12 साल की भी, हम 10-11 साल की बात करें तो सेल्स भी देखोगे लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, ठीक है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट भी देखोगे, जहाँ घाटे में थी वहां पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती नहीं है, और जहाँ पर हम मैंने आपको बताया कि 2018-17 में इसने एक टॉप बनाया था, ठीक है, उसके भी अगर उससे कैलकुलेट करोगे तो 2017 कहाँ पर था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी 2017 में देखोगे 125 करोड़ की सेल्स थी, अभी लगभग डबल की सेल है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर 16 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ पर 100 करोड़ के प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या है, सब कुछ अच्छा है, तो उस लेवल तक तो जाना ही है, बट उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स है कंपनी के पास 125 करोड़ के आसपास के सितंबर में, ठीक है, यहाँ पर बोरिंग की बात करें तो बोरिंग साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जितना मार्जिन देगी वहाँ पैसा बनेगा। स्प्लिट ये पहले स्प्लिट भी दे चुका है, बोनस भी दे चुका है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें और चीजों की, तो इन्वेस्टमेंट 378 करोड़ का, कैश की बात करें 633 का, मतलब इतने की तो कंपनी नहीं है जितने का कैश रख रखा है, ठीक है ना, 633 करोड़ रुपए का तो कैश पड़ा हुआ है इसके पास। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 73.53% एज इट इज इतनी होल्डिंग रख रखी है, ठीक है। एफआईज यहाँ पर है नहीं। डीआईज की बात करें तो पब्लिक की बात करें 26% के शेयर है, और उसमें भी आप देखोगे तो कुछ शेयर यहाँ पर डेजिग्नेटेड पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आए, उसी की वजह से आप देखोगे कि नवंबर में एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद शेयर में एक छोटी सी गिरावट होती हुई नजर आई, दैट इज नॉर्मल, ठीक है ना। जब चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं और निकल जाते हैं, बट क्या बेकार है, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नजर आता है। आगे की हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आएगा, आदित्य बिरला मनी, तो यहाँ पर हम चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, और इन नंबरों को नोट करके बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च कोर्स और साथ में यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें आदित्य बिरला मनी की, तो देखिए ऑलरेडी अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, आज भी आप देखोगे तो लगभग 5% की तेजी है। तो अगर कोई भी यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच रहा है तो एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा के, लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 12 रुपए की रिस्क है, ठीक है, 12 रुपए की भी नहीं, 10 रुपए की यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। और ऊपर की बात करूँ, जैसे ही ये शेयर इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ से निकलेगा तो इसमें तेजी होती हुई नजर आएगी, और ये शेयर आपका यहाँ पर 165 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और एक बार 165 का लेवल इसने क्रॉस किया, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये शेयर आपका और भी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न इन द सेंस यहाँ पर आपके 311 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस।